हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर ER 2020 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंतर्गत हमें इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं आज की इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन के बारे में। सिलेबस डिस्कशन में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। यानी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं ड्रग बनाने के लिए, उसी के बारे में हमें बेसिकली डिस्कशन करना है। अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, चलिए उसको समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स डज नॉट कंटेन्स द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज जनरली फाउंड इन द नॉन लिविंग थिंग्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होता है और वो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स के बीच में डिफरेंसेस। तो यानी कि इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी करनी है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे चैप्टर नंबर 3, तो उसमें यूनिट वाइज दे रखा है, यानी कि कैटेगरी ड्रग को कैटेगरीज वाइज दे रखा है। अब ड्रग को कैटेगरीज वाइज ही पढ़ेंगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा। अगर एक ही साथ सभी कैटेगरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमने आपको इजीली समझ में आने के लिए हमने इसको यूनिट वाइज कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में है हिमेटिनिक्स, यूनिट नंबर 2 में है एंटासिड्स, यूनिट नंबर 3 है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यूनिट नंबर 4 डेंटल प्रोडक्ट्स और यूनिट नंबर 5 मेडिसिनल गैसेस। ये जो भी यूनिट बनाई गई है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे, यानी यूनिट नंबर 1 हिमेटिनिक्स। हिमेटिनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमेटिनिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। हिमेटिनिक्स आर दो सब्सटेंसेस विच provide the suitable condition for blood component formation and support the blood formation erythropoiesis. Hematinics एक ऐसे substance होते हैं जो कि blood component को बनाने में help करते हैं। blood component का मतलब क्या हुआ, RBC, WBC, platelets और उसके साथ proteins भी होते हैं, उसको बनाने में क्या करते हैं, help करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, hematinics बोलते हैं। उसके अलावा ब्लड फॉर्मेशन, यानी ब्लड फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए ब्लड में क्या होता है, एक होता है ब्लड का कंपोनेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है, प्रोटीन और एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट का मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इसी ब्लड फॉर्मेशन यानी इरिथ्रोपोइसिस मेनली इरिथ्रोसाइट जब बनता है उसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। यानी उसमें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स की प्रेजेंस में हमारी बॉडी इरिथ्रोपोइसिस करती है। इरिथ्रोपोइसिस में बेसिकली कौन बनता है, आरबीसी बनाई जाती है, उसी से हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। यानी कि हिमेटिनिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड कंपोनेंट को बनाते हैं और ब्लड को बनाने में हेल्प करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम हिमेटिनिक्स बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। इट जनरली कंटेन्स द आयरन फेरस कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर एसेंशियल सब्सटेंसेस required for the blood metabolism and provide the prevention against the deficiency syndrome of iron or ferrous, ठीक है। Hematinics जो होता है वो iron या ferrous दोनों एक ही चीज है, उसके वो इस टाइप के कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही essential रोल प्ले करते हैं। essential रोल कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आयरन के प्रेजेंस में हेमोग्लोबिन बनता है और आप लोगों को पता होगा कि हेमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म होता है तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो फाइनली एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आयरन जो है या फेरस है वो हमारी बॉडी में एसेंशियल रोल प्ले करता है और ब्लड मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और उसके अलावा हमें क्या करता है, प्रिवेंशन अगेंस्ट डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की कमी से जो भी रोग होते हैं या जो भी डिजीजेस होती हैं उससे बचाता है कौन, हिमेटिनिक्स। यानी कि ये हो गया हिमेटिनिक्स। अगर आगे बात करें तो इन हिमेटिनिक्स आल्सो इंक्लूड द सपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर ब्लड फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, एग्जाम्पल जिंक, कॉपर, विटामिन्स, फोलिक एसिड, ETC। यानी कि हिमेटिनिक्स में बस यही कहना जरूरी नहीं है कि आयरन सब्सटेंस होते हैं, नहीं, इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि हिमेटिनिक्स की तरह रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जिंक,
कॉपर, विटामिन, फोलिक एसिड इट इज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस भी आते हैं। तो ये हो गया हेमेटिनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें बोन मैरो, बोन मैरो इज द एरिया या जोन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट फॉर्मेशन आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स By the combination effects of blood substances provide the immunity against any diseases. Bone marrow. आप लोगों को पता होगा long bones जो होती हैं हमारी उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? Bone marrow पाया जाता है। अगर आप bones का chapter अगर पढ़ेंगे, आगे हम लोग bones का chapter cover करेंगे जिसमें long bone और short bone दो type की bone होती है, तो जो long bone होती है उसमें होता है bone marrow। उसी बोन मैरो में हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी कि वहीं उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब वहां पे डेवलपमेंट होता है तो ब्लड सब्सटेंसेस और उसके अलावा जो भी हमारे एंटीबॉडीज होती हैं वो दोनों मिलकर क्या करती हैं? हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं। किससे? डिजीज से। ये हो गया बोन मैरो। बोन मैरो याद रखिएगा आप लोग कि वो एक जोन या ब्लड कम एक एरिया या जोन होता है जहां पे ब्लड का ब्लड कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हेमोग्लोबिन इज द आयरन रिच रेड कलर प्रोटीन विच प्रेजेंट इन आरबीसी एंड कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। हेमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? आरबीसी पे। और हेमोग्लोबिन के लिए जरूरत होता है आयरन का। हेमोग्लोबिन जो होता है वो रिच यानी कि आयरन रेड कलर का रिच प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो होता है हेमोग्लोबिन। आप लोग पहले पढ़ते होंगे कि आरबीसी का रेड कलर किसके कारण होता है, तो आरबीसी का रेड कलर जो होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है। क्यों? तो WBC के अंतर्गत हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो व्हाइट कलर की होती है। ये सारी चीजें आप पहले क्लास में पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमेटिनिक्स। अपन आप पढ़ेंगे हेमेटिनिक्स का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज एंड एक्टिविटी इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। इसे हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, दूसरी है मैच्यूरेशन एक्टिविटी, और थर्ड है हेमेटिनिक्स एडजुवेंट। तो क्लासिफिकेशन में आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, तो आयरन जो होता है कभी कभी ओरल द्वारा लिया जाता है या पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन द्वारा भी आयरन का हम डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जा सकता है। तो ओरल आयरन का एग्जांपल होता है फेरस फ्यूमरेट और फेरस सल्फेट। और नेक्स्ट अगर पेरेंटल की बात करें आयरन डेक्सट्रॉन, फेरस सुक्रोज, ये सारी चीजें जो है यानी कि पेरेंटल होती है। नेक्स्ट अगर बात करें मैच्यूरेशन एक्टिविटी, मैच्यूरेशन एक्टिविटी का मतलब होता है जो कि वो इस टाइप की जो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे जो आरबीसी होती है या डब्ल्यूबीसी होती है उसके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। मैच्योरेशन का मतलब क्या? उसको मैच्योर करने में, जैसे इसका एग्जांपल है विटामिन B12 और फोलिक एसिड्स। नेक्स्ट अगर बात करें हेमेटिनिक्स एडजुवेंट, हेमेटिनिक्स एडजुवेंट का एग्जाम्पल कॉपर, पाइरिडॉक्सिन, राइबोफ्लाविन। ये हो गया क्लासिफिकेशन। एक बार मैं क्लासिफिकेशन आप लोगों को फिर रिपीट करता हूं कि आयरन कंटेनिंग हेमेटिनिक्स यानी ओरल में आता है फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, पेरेंटल में आएगा आयरन डेक्सट्रॉन एंड फेरस सुक्रोज, मैच्यूरेशन एक्टिविटी विटामिन B12 और फुलिक एसिड, और हेमेटिनिक्स एडजुवेंट में कॉपर, पाइरिडॉक्सिन और राइबोफ्लाविन आता है। तो क्लासिफिकेशन आप लोग याद रखिएगा। अगर हेमेटिनिक्स अगर आप लोग को लिखने के लिए आता है तो थोड़ा सा इंट्रो लिख दीजिए और क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, उससे हेमेटिनिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं ड्रग के पास। ड्रग इसमें कौन कौन सी ड्रग दी गई है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली ड्रग है फेरस सल्फेट। अगर इसका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो FeSO4 और मोलर मास देखिए 151.91 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ये कम से कम एटलीस्ट केमिकल फार्मूला तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि उसके बाद आप मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे इनका जो मोलिकुलर मास होता है उसको क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर नंबर होता है उसको डबल कर देंगे तो वो मोलर मास के लगभग बराबर हो जाता है। तो वहां से आप मोलर मास तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप केमिकल फार्मूला याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। फेरस सल्फेट इज एन आयरन साल्ट प्रिपरेशन विच इज यूज टू मैनेजमेंट द आयरन डेफिशियंसी सिम्टम्स, यानी कि फेरस सल्फेट जो होता है वो आयरन साल्ट की प्रिपरेशन होती है जो कि हमारी आयरन डेफिशिएंसी सिंड्रोम को क्या करती है, ओवरकम करती है यानी कि बचाती है, ठीक है। इट इज प्रॉपुलरली नोन एज ग्रीन पेट्रोल मेलेनेट्राइट कॉपीरेज, यानी कि इसको हम ग्रीन पेट्रोल मेलेनेट्राइट और कॉपीरेज बोलते हैं।
इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म इज यूज मेडिकली टू ट्रीट आयरन डेफिशियंसी एंड आल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि अगर H2O उसको ऐड कर दिया जाए तो जो हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा वो हमारे मेडिसिनल प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और आयरन डेफिशियंसी को कम करने के लिए उसी का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो कलर एंड स्टेट, इट इज द व्हाइट क्रिस्टल पाउडर बट देयर हेप्टा हाइड्रेटेड फॉर्म इज सो ब्लू ग्रीन कलर। अगर इसके कलर की बात करें तो ये क्रिस्टल, पहले तो ये स्टेट इसका क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या, किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये बेसिकली किस में होता है, क्रिस्टल पाउडर्स के रूप में होता है। और इसका कलर की अगर बात करें तो जनरली व्हाइट होता है, लेकिन अगर इसका हेप्टाहाइड्रेट यानी कि 7H2 अगर उसके साथ ऐड हो जाता है तो ब्लू ग्रीन कलर शो करता है। चलिए अब अपन देखते हैं ऑर्डर एंड टेस्ट। इट इज ऑर्डरलेस विथ मेटेलिक टेस्ट, ये ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, और मेटेलिक टेस्ट जैसे मेटल का टेस्ट आता है इसी टाइप का इसका टेस्ट आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इन एल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल इट्स सो निग्लेजिबल सॉल्युबिलिटी। यानी कि ये जनरली वाटर में तो सॉल्युबल होगा बट एल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल में ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकोल में उसको फेरस सल्फेट को सॉल्युबल करेंगे यानी मिलाएंगे तो वो उसमें नहीं मिलेगा। केमिकली इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो इन फार्मास्यूटिकल इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंसेस इन यूजफुल फॉर्म। ये क्या होता है, फेरस सल्फेट जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने आप लोगों को डिस्कस किया था रेडॉक्स टाइट्रेशन में, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो वहां पे ये क्या करता है, फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अलग यूजफुल फॉर्म में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखते हैं, इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट कैप्सूल सिरप पिल्स ओरल ड्रॉप इटीसी। यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एक टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है, पिल्स हो सकता है, ओरल ड्रॉप हो सकता है, ये सारी चीजें इसकी प्रिपरेशन आती है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पता चलता है तो इसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। ब्रांड और मार्केट नेम क्या हो सकता है, तो ब्रांड नेम फॉलीफेज प्लस के नाम से आता है, फियोसोल, फीरोल्थ, ई फॉलीफर किट ETC, यानी इसके और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हैं जो आपको सुटेबल लगे आप उसको लिख सकते हैं। एट लीस्ट याद रखिएगा कि कम से कम दो ब्रांड नेम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है एट लीस्ट टू ब्रांड नेम लिखने के लिए, तो इसलिए आप कम से कम दो ब्रांड नेम उसका याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंट अन ओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम द इनकम्पेटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। कोई भी ड्रग होती है अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है उसका स्टोरेज कंडीशन लगभग सेम होता है, कुछ ही एक ड्रग होती है जिनका स्टोरेज कंडीशन डिफरेंट होता है उसको हम मेंशन कर देंगे अलग से, लेकिन अभी फिलहाल में आप लोग इसको याद रखिएगा कि इस ड्रग को एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर में रखा जाता है और इनकम्पेटेबल मटेरियल से दूर रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पे और अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर रखा जाता है इस ड्रग को, ठीक है, ये इसका स्टोरेज कंडीशन हो गया। नेक्स्ट अगर इसके यूजेज या एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, फेरस सल्फेट आर सल्फेट इज अ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी कि जो फेरस सल्फेट की जो मेडिसिन बनाई जाती है वो उससे क्या ट्रीट किया जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, आप लोगों ने देखा होगा एनीमिया टेस्ट होता है तो खून की कमी, यानी कि आयरन डिफिशियंसी जो भी एनीमिया होती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कई टाइप की एनीमिया होती है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी तो उसके लिए अगर आप फेरस सल्फेट का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। फेरस सल्फेट प्रोवाइड द आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मेंटेन द आयरन स्टेटस इन बोथ चाइल्ड एंड मदर। फेरस सल्फेट बहुत ही ज्यादा एक आयरन सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप देखें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, आयरन की जरूरत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मदर भी क्या करती है, मदर में भी ऑक्सीडेशन करना होता है फूड का और चाइल्ड में भी फूड का ऑक्सीडेशन करना है। अगर फूड का ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो हेमोग्लोबिन की डिमांड बढ़ेगी, अगर हेमोग्लोबिन की डिमांड बढ़ेगी तो आयरन की डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी, इसलिए आयरन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल में तो ब्लड लॉस होता है इसलिए आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको दो
दो जगहों पे ऑक्सीडेशन कराना होता है, इसलिए वहां पे आयरन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल होता है। इट्स प्रिपरेशन आर हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने डिस्कस कर लिया है, कम से कम एटलीस्ट ये 3 यूजेज है आप लोग याद रखेंगे। तो इसके अलावा जो आगे के जो ड्रग है उसमें भी आप इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी आयरन कंटेनिंग सब कंपाउंड है उसमें भी ये यूजेज चल सकते हैं, तो इसलिए आप इस यूजेज को याद रखिएगा। उसमें कुछ अलग यूजेज दिए गए उसको भी आप याद रखिएगा, जो आपको इजिली याद हो जाए उसे आप अपने माइंड में रखिए और उसे आप उसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फेरस फ्यूमरेट के बारे में। इसका केमिकल फार्मूला होता है C4H2FeO4 और इसका मोलर मास होता है 169 यानी कि 169.90 ग्राम पर मोल। अगर इसके इंट्रोडक्शन में बात करें, फेरस फ्यूमरेट आल्सो नोन एज फोस्टेट आयरन टू फ्यूमरेट इज द आयरन टू साल्ट ऑफ द फ्यूमेरिक एसिड, यानी कि इसको फोस्टेट बोल सकते हैं, आयरन टू फ्यूमरेट भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा ये साल्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड का, जो फ्यूमेरिक एसिड होता है उसका ये साल्ट होता है कौन, फेरस फ्यूमरेट। नेक्स्ट अगर बात करें, प्योर फॉर्म ऑफ फेरस फ्यूमरेट हैज एन आयरन कंटेंट ऑफ 32.87%, डियर फॉर वन टेबलेट ऑफ 300 mg ऑफ आयरन फ्यूमरेट विल कंटेंस 98.6 mg ऑफ आयरन, यानी कि अगर देखें प्योर फॉर्म में जब फेरस फ्यूमरेट होता है वो कितना आयरन कंटेंट करता है, 32.87% उसमें क्या होता है, आयरन होता है। अगर आप फेरस फ्यूमरेट प्योर लेते हो तो उसमें 32.87% क्या होगा, आयरन होगा, यानी कि अगर 300 mg का अगर आप आयरन कोई टेबलेट या कैप्सूल लेते हो तो उसमें 98.6 mg क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इससे आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि आयरन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज ऑफन टेकन ओरली एज एन आयरन सप्लीमेंट, इसका यूज भी हम आयरन की सब आयरन सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि अपने आयरन की पूर्ति करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, कलर एंड स्टेट देखेंगे। इट इज अकर्स एज रेडिश ऑरेंज पाउडर, पहले तो इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर का ये होता है और ये पाउडर फॉर्म में, इसका स्टेट जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें, इट इज ऑर्डरलेस विथ मेटेलिक टेस्ट, ये भी ऑर्डरलेस होता है और ये मेटेलिक टेस्ट शो करता है। सॉल्युबिलिटी, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड नेग्लिजिबल सॉल्युबल इन एथेनॉल, यानी कि ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है लेकिन एथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है या नेग्लिजिबल सॉल्युबल होता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर बात करें, फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट कैप्सूल सिरप पिल्स ओरल ड्रॉप ईटीसी, यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टैबलेट कैप्सूल सिरप पिल्स ओरल ड्रॉप भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मिलेगा आप उसको ऐड कर लेंगे, अगर इंजेक्शन प्रिपरेशन को आपको याद है तो आप इंजेक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्रांड या मार्केट नेम, तो ब्रांड नेम या मार्केट नेम फेरोप्लस नेविग्लोबिन लिबोजेन जेड और ट्रीन, ये सारे जो है इसके प्रिपरेशन होते हैं जो कि मार्केट में इस नाम से चलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इजी ब्रांड नेम या मार्केट नेम पता है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया, एटलीस्ट आप लोग 2 ब्रांड नेम याद रखिएगा। स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंट अनओपेंड कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकॉम्पेटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात है, जो स्टोरेज कंडीशन उसका था इसका भी वही सेम ही स्टोरेज कंडीशन है। अगर कहीं पे डिफरेंसेस आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तब तक के लिए आप लोग ये स्टोरेज कंडीशन अपने माइंड में बैठा लीजिएगा या अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूजेज एंड एप्लीकेशन। फेरिक फ्यूमरेट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशियंसी एनीमिया, यानी इसका यूज भी होता है आयरन डेफिशियंसी, जो भी एनीमिया होती है उसमें उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फेरस फ्यूमरेट रिप्लेस आयरन फाउंड इन हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स एंड अलाउ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन वाया हेमोग्लोबिन, यानी कि फेरस फ्यूमरेट जो होता है जो हेमोग्लोबिन में आयरन होता है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता रहता है। यानी कि अगर आयरन हीमोग्लोबिन जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली आयरन होता है, सेंटर आयरन होता है, उसके बाद क्या होता है, बाहर प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में एक आयरन होता है और चारों तरफ से उसके क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो उसी आयरन को क्या करता है, रिप्लेस करता रहता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज शो करता है, जिससे क्या करता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब वो आयरन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा तो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता रहेगा और हमारी बॉडी का मेटाबोलिज्म चलता रहेगा।
नेक्स्ट अगर बात करें फेरस फ्यूमरेट एंड फुलिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज टू ट्रीट द प्रिवेंट सर्टन टाइप्स ऑफ एनीमिया लो रेड ब्लड सेल कॉज्ड बाय द आयरन और फोलिएट डिफिशियंसी। यानी कि फेरस फ्यूमरेट और फुलिक एसिड दोनों का इस्तेमाल एक साथ यानी कि एक ड्रग कॉम्बिनेशन में किया जाता है जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग के बारे में, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला है NH4O5 एंड Fe6H4O7 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। मॉलिक्यूलर मास देखते हैं 488.16 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसकी बात करें इंट्रोडक्शन में, इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर ईच मोइटी ऑफ सिट्रिक एसिड हैज लॉस्ट 4 प्रोटॉन। यानी कि इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो क्या करता है, एक मोइटी बनाता है यानी कि 4 प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है जो 4 प्रोटॉन डोनेट करता है और उसी से क्या बनता है, Fe जो होता है वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर लेता है, Fe रिएक्ट कर लेता है उसी के साथ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द डी प्रोटोनेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 2 ऑफ द कार्बोक्सिलेट ग्रुप लाइगेट टू द फेरिक सेंटर। यानी कि उसमें से 2 ग्रुप जो होते हैं वो फेरिक सेंटर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक कार्बोक्सिलेट, जैसे क्या हुआ, सिट्रिक एसिड है उसमें से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब वो कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है वो किससे कोऑर्डिनेट कर जाता है, फेरिक से, वाइल द थर्ड कार्बोनेट ग्रुप आर द कोऑर्डिनेटेड विद द अमोनिया। और जो थर्ड उसमें बन जाए, यानी कि 4 वैलेंसी हुई सिट्रिक एसिड में, तो क्या करे, सॉरी 3 वैलेंसी होगी, जिसमें 2 जो होगा वो आयरन के साथ बैलेंस कर लेगा और एक जो होगा वो किसके साथ, अमोनिया के साथ कर लेगा। इट इज आल्सो नोन एज फेरिसेल्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे फेरिसेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें प्रॉपर्टीज, कलर एंड स्टेट, इट इज अ एलोइस ब्राउन टू रेड सॉलिड क्रिस्टल। ये क्या होता है, एलोइस ब्राउन कलर का रेड क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें, इट शोज अमोनिया लाइक ऑर्डर विथ सलाइन आर फेरिजिनियस टेस्ट। यानी कि अमोनिया लाइक ऑर्डर होता है, इसका क्या होता है, जैसा अमोनिया का ऑर्डर होता है वैसे ये ऑर्डर शो करता है विथ सलाइन, इन सलाइन का मतलब NaCl की तरह फेरिजिनियस टेस्ट शो करता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, इट इज ग्रेटली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। यानी कि ये ग्रेटली सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होता है किसमें, अल्कोहल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में देखें, फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट कैप्सूल सिरप ओरल ड्रॉप ETC। ठीक है, ब्रांड और मार्केट नेम बात करें, फेरीगोल्ड क्यूटीफर फेरस एम एट्रोविट प्लस ETC। ठीक है, ब्रांड नेम आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और जो आपको सुटेबल लगे वो आप याद कर सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकॉम्पैटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट अगर बात करें यूजेज एंड एप्लीकेशंस क्या है इसके, फेरिक सिट्रेट इज आल्सो यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशियंसी। ठीक है, डेफिशियंसी एनीमिया, फेरिक सिट्रेट जो होता है, यानी कि फेरिक सिट्रेट जो होता है वो आयरन डेफिशियंसी जो एनीमिया होती है उसको ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट एक्सर्ट हेमेटिनिक एक्शन बाय रिप्लेसिंग आयरन। यानी जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है वो हेमेटिनिक्स की तरह काम करता है, आयरन को रिप्लेस कर देता है। यानी प्योर आयरन को रिप्लेस करके फेरिक अमोनियम सिट्रेट क्या करता है, आयरन की जो डेफिशिएंसी हुई होती है उसको क्या करता है, पूरा करता है। विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, और हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फेरिक अमोनियम सिट्रेट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फेरिक सिट्रेट इज यूज टू कंट्रोल द फॉस्फोरस लेवल इन एडल्ट विद क्रोनिक किडनी डिजीज। और फेरिक सिट्रेट जो होता है वो फॉस्फोरस लेवल यानी एडल्ट में जो क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है उसको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं फेरस एस्कॉर्बेट, नेक्स्ट ड्रग है हमारी फेरस एस्कॉर्बेट। केमिकल फार्मूला क्या होता है, C12H14FeO12, ये हो गया इसका फेरस एस्कॉर्बेट का केमिकल फार्मूला। जबकि इसका मोलर मास होता है 406.08 ग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट अगर इंट्रोडक्शन में इसकी बात करें, द एल्कली आर एल्केलाइन अर्थ मेटल साल्ट आर इट्स हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद फेरस सल्फेट देन फॉर्म्स द कोरस्पॉन्डिंग फेरस साल्ट। ठीक है, द एल्कलाइन एल्कली अर्थ मेटल, जो भी हमारे एल्कली और एल्कलाइन यानी कि
हाइड्रोजन फैमिली यानी कि हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम वाली जो फैमिली होती है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम कैल्शियम मैग्नीशियम वाली जो फैमिली होती है उसके जो साल्ट होते हैं और उसके हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं फेरस सल्फेट के साथ। जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फेरस सॉल्ट बनाते हैं। विच उसके बाद आगे देखिए, विच इज रिएक्टेड विथ एस्कॉर्बिक एसिड इन द एक्वस मीडियम एट स्लाइटली एसिडिक आर न्यूट्रल कंडीशन फॉलोड बाई फिल्ट्रेशन टू गेट फेरस एस्कॉर्बिडेट इन मदर लिक्विड। इट इज नोन एज द फेरस एस्कॉर्बिडेट आयरन टू प्लस डाई एल एस्कॉर्बेट एल एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बना फेरस साल्ट हमारा बन गया, उसके बाद से वो क्या करेगा, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट करेगा। जब वो एसिडिक मीडियम यानी कि एक्वस मीडियम में जब रिएक्ट करेगा बाय फिल्ट्रेशन, तब क्या बनाएगा वो फेरस एस्कॉर्बिडेट बनाएगा, और फेरस एस्कॉर्बिडेट का मदर लिक्वर मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फेरस एस्कॉर्बिडेट आयरन टू प्लस डाई एल एस्कॉर्बेट एल एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एक होता है आप लोग L का मतलब होता है, एक होता है लेबोरेटरी यानी कि लेबोरेटरी की तरह काम करेगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, लेबोरेटरी और डेक्सटोरेटरी, जब आप लोगों को मैं उसको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक तो उसमें लेबोरेटरी और डेक्सटोरेटरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है अभी बता देता हूँ, ये बेसिकली होता है प्रिज्म लाइट को जो भी हमारी केमिकल्स हैं वो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं यानी कि किधर, यानी डेक्सटोरेटरी और लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब लेफ्ट साइड और डेक्सटोरेटरी मतलब राइट साइड में, तो उसे क्या बोलते हैं, अगर लेफ्ट साइड है तो एल बोलेंगे और अगर राइट साइड है तो उसको आर बोलेंगे, सॉरी डी बोलते हैं उसको, आर नहीं बोलते हैं डी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज, कलर एंड टेस्ट, इट इज ब्लू वायलेट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर कंटेनिंग 16% आयरन, यानी कि यह ब्लू वायलेट कलर का होता है और यह भी एक क्रिस्टलाइन पाउडर ही होता है जो कि 16% आयरन कंटेन करता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें, इट इज ऑर्डरलेस विथ मेटेलिक आयरन टेस्ट, ये भी ऑर्डरलेस होता है विथ मेटेलिक आयरन टेस्ट होता है, जो भी जैसा भी मेटेलिक आयरन का टेस्ट होता है उसी टाइप का होगा। इट इज सोल्यूबल इन वाटर मिथेनॉल एंड इथेनॉल, और ये सोल्यूबल होता है वाटर में मिथेनॉल में एंड इथेनॉल में। नेक्स्ट अगर बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट कैप्सूल सिरप पिल्स ओरल ड्रॉप ईटीसी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अदर भी मिल जाती है, अगर इंजेक्शन मिल जाती है तो इंजेक्शन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड मार्केट नेम अगर बात करें, फिरोलिन एक्सटी, क्रिप्टोफर एक्सटी, फेरिसिप एक्सटी और ब्रिसफर, ये बहुत सारे इसके ब्रांड नेम होते हैं। अगर आप लोगों को कोई ईजी नाम याद है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकॉम्पैटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, यानी स्टोरेज कंडीशन आप वही लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर यूजेज एंड एप्लीकेशंस की बात करें, तो फेरिक सिट्रेट इज यूज टू कंट्रोल द फॉस्फोरस लेवल इन एडल्ट विद क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, यानी कि फेरस सिट्रेट भी यूज होता है और उसके अलावा फेरस एस्कॉर्बिडेट होता है, इसका भी यूज करते हैं हम क्रॉनिक किडनी डिजीज को रिमूव करने के लिए। फेरिक सिट्रेट इज आल्सो यूज ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे फेरिक सिट्रेट होता है उसी प्रकार से फेरिक एस्कॉर्बिडेट होता है, उसका भी यूज किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को दूर करने के लिए। फेरस एस्कॉर्बिडेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड विटामिन सी यूज टू मैनेज द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड हेल्प इन द डाइजेशन, यानी कि फेरस एस्कॉर्बिडेट और कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड विटामिन सी, फेरस एस्कॉर्बिडेट कॉम्बिनेशन होता है आयरन का ऑलरेडी होता है, अब उसको अगर विटामिन सी के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उसमें हेल्प करता है और हमारे डाइजेशन को क्या करता है, सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे कार्बोन नील आयरन, ये है इस यूनिट की लास्ट ड्रग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, FeCO होल 5 होता है और मॉलिक्यूलर मास इसका जो होता है 195.9 ग्राम पर मोल होता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में बात करें, कार्बोनिल आयरन, कार्बोनिल आयरन का मतलब होता है कार्बन के साथ आयरन जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कार्बोनिल आयरन इज हाईली प्योर आयरन, ये क्या होता है प्योर आयरन होता है। प्योर आयरन किसे बोलते हैं हम, कार्बोनिल आयरन को ही बोलेंगे हम प्योर आयरन। प्रिपेयर्ड बाई केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्योरिफाइड आयरन पेंटाकार्बोनिल। इन फार्मास्यूटिक्स कार्बोनिल आयरन पाउडर इज यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशियंसी एंड एज एन आयरन डाइटरी सप्लीमेंट। अगर फार्मास्यूटिक्स में देखा जाए तो कार्बोनिल आयरन का जो पाउडर होता है उसको आयरन डेफिशियंसी दूर करने के लिए और डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े प्रॉपर्टीज के बारे में,
तो कलर एंड टेस्ट के कलर एंड स्टेट की बात करें, इट इज पेल येलो आर स्ट्रो कलर लिक्विड, यानी क्या होता है, पेल एलोइस कलर का या स्ट्रो कलर का क्या होता है, लिक्विड होता है। स्टेट याद रखिएगा कि अब इसकी स्टेट क्या है, पाउडर ना होके लिक्विड हो गई, यानी कि ये लिक्विड में प्रेजेंट होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट, इट शोज द पंजेंट ऑर्डर विथ मेटेलिक टेस्ट, यानी कि ये पंजेंट ऑर्डर शो करता है और इसका मेटेलिक टेस्ट होता है। ठीक है, पंजेंट ऑर्डर मतलब तिच्छट, बहुत ज्यादा लगने वाला जो पंजेंसी ऑर्डर होता है उसी को बोलते हैं। लिक्विड का मतलब ये हुआ, बहुत लोग बोलेंगे कि सर अभी आपने यहाँ पे पाउडर बोला था, कार्बोनिल आयरन पाउडर बोला था, लेकिन जनरली इसका जो प्रिपरेशन बनती है वो कैसी बनती है, लिक्विड बोलती है, इसलिए हम लिक्विड को यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट के बाद सॉल्युबिलिटी, इट इज इन सॉल्युबल इन वाटर एंड अमोनिया, यानी कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर और अमोनिया में, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन हो गया, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल, और एल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्रॉप, ईटीसी। इसके अलावा इंजेक्शन भी आता है, इसमें छूट गया है, आप इंजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ब्रांड मार्केट नेम अगर बात करें, आयरोनटिक, हेफरजेट, माइकार, कार्बिफॉल, एयरफॉल जेड, ये इसके क्या है, ब्रांड नेम है। ठीक है, इस टाइप के ब्रांड नेम से ये होके आता है। इसके अलावा आपको अगर ब्रांड नाम याद है तो आप उसको लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया एटलीस्ट आप लोग 2 ब्रांड नेम याद रखिएगा, इजिली याद रखिएगा। ठीक है, ब्रांड नेम कैसे आप लोगों को हेल्पफुल होगा, अगर मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, अब फार्मासिस्ट हैं आप, आपको सलाह देनी ही पड़ेगी कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है कि सर हम फेरस, यानी कि हमें लग रहा है कि हमारे अंदर खून की कमी हो गई है, अब खून की कमी उनके अंदर हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए आप उसको क्या लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे, और मेडिसिन तभी लिखेंगे जब आपको ब्रांड नेम अच्छे से पता हो, केमिकल फार्मूला उसका पता हो, या उसका केमिकल नेम पता हो। तो केमिकल नेम तो आप इजीली लिख देंगे, अब फेरस के कई केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो उसके थोड़े मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कुछ स्टैंडर्ड जो ब्रांड नेम है उसको आप पता रखिएगा, जिससे आप उसको लिख देंगे तो पेशेंट को इजीली मिल जाएगा और उसकी खून की कमी जो होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको ब्रांड नेम इसलिए आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें तो इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंट अनओपन्ड कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकम्पेटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन सेम है। अब लिखने का तरीका समझ लीजिए कैसे आप लोग लिखेंगे। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आता है, डिफाइन द हेमेटिनिक्स विद द सटेबल एग्जाम्पल। अब उसको अगर मान लीजिए कि आप लोगों को दे देता है 5 नंबर में, यानी 5 मार्क्स में आप लोगों को देता है, तो सबसे पहले आप हेमेटिनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। ये तो हो गया हेमेटिनिक्स के बारे में। अब इसमें से कोई एटलीस्ट 2 ड्रग आप याद रखेंगे अच्छे से, अब उसमें भी क्या याद रखेंगे, स्टोरेज कंडीशन तो आप लोगों को याद रहेगी, प्रॉपर्टीज है लगभग प्रॉपर्टी सेम है, कुछ की प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई है, जब आप उसको कंपेयर करके याद करेंगे तब ये चीजें आप लोगों को याद होगी। तो इसलिए जिसकी जिसकी प्रॉपर्टी है उसको आप कंपेयर करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कंपेयर करके याद करेंगे तो ये इजिली याद हो जाएगा। और याद रखिएगा, एक यूनिट एक बार में ही याद कीजिएगा, कई यूनिट को एक साथ अगर आप याद करते हैं तो आप कंफर्म यानी 100% आप भूल जाएंगे, किसी का प्रॉपर्टी किसी दूसरे में लिख देंगे, किसी का स्टोरेज कंडीशन किसी दूसरे में लिख देंगे। अभी तो आपकी ये पहली यूनिट चल रही है तो आप इजिली पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिट हो जाएंगी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए जब भी पढ़िए एक यूनिट पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद किसी दूसरे यूनिट पे जाइए। अब उस दूसरी यूनिट को पहली यूनिट से मत कंपेयर कीजिए, अगर आप कंपेयर करने लगे तो ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए एक यूनिट में, अब इसमें एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट है, इसमें 5 ड्रग दे रखा है, अगर आप 5 ड्रग दे रखा है तो 5 ड्रग्स को कंप्लीट कर लीजिए, यानी उसको ही कंपेयर कर लीजिए, आप लोगों को 5 ड्रग कंप्लीटली याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को क्या याद करना है, स्टोरेज कंडीशन याद अच्छे से करना है, और उसके अलावा जो है उसका प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करना है। उसके अलावा तो इंट्रो में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंट्रो में उससे नाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों को पॉइंट याद आ रहे हैं, या तो इस नोट से, यानी कि जो कि हमारा नोट्स, इसका जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट notescard.com पे अवेलेबल है, या तो उस नोट्स से पॉइंट को आप लिखिए, या तो कहीं अदर पॉइंट अगर आप लोगों को इजी पॉइंट मिलता है तो उस पॉइंट को लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो आपको उतना पॉइंट लिखना ही पड़ेगा।
एटलीस्ट केमिकल फार्मूला आप याद रखिएगा। मोलर मास अगर आप लोगों को याद नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मोलिक यानी कि मोलर यानी कि केमिकल नंबर जो होता है किसी भी केमिकल्स का, उससे आप लोग उसको दुगुना कर देंगे तो लगभग लगभग मोलर मास निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक है लिखने की, आप लोग इजिली लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हेमेटिनिक्स को डिफाइन कीजिए और उसके कुछ एग्जांपल्स को लिखिए, तो आप लोग इजिली लिख लेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, यूजेज और एप्लीकेशंस की बात करें तो कार्बोनिल आयरन इज अ सप्लीमेंट यूजेज टू ट्रीट और प्रिवेंट लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन सच दोज कॉज्ड बाय द एनीमिया और प्रेगनेंसी। यानी कि कार्बोनिल आयरन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है और आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। इसका यूज प्रेगनेंसी और एनीमिया के दौरान, एनीमिया मतलब खून की कमी के दौरान बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। मेंस्ट्रुअल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल में बेसिकली क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। अगर ब्लड लॉस होगा यानी कि खून की कमी होगी, उस दौरान आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आयरन हेल्प्स योर बॉडी प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर ब्लड टू टिश्यू और ऑर्गन। यानी कि जो भी ये कार्बोनिल आयरन होता है वो हेल्प करता है किसको, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, यानी फाइनली वो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपके बॉडी में बढ़ जाएगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो आपकी जीवन जो जीवन अवस्था है या जीवन आयु है वो बढ़ जाएगी और आप लंबे समय तक जी लेंगे। ठीक है, इसलिए आयरन की जरूरत हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी हमने इसके बारे में लिखने का तरीका बताया वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए आगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अगले यूनिट में, यूनिट नंबर 2 जो होगी उसमें क्या है, एंटासिड है। ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।